हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म. दिस इज़ मीनू ठाकुर. तो आज इस लेक्चर में विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन वन ऑफ यूनिट वन HRM. ठीक है, किसी बच्चे का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि HRM जो है वो 3 दिन बाद उनका एग्ज़ाम होने वाला है, जबकि अगले मंथ ये मैं BCom का अगर डेट शीट पे जाऊँ तो नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम होगा. बट ठीक है, व्हाट वी विल डू कि ये जो 3 दिन है इसको हम इसका पूरा एक HRM जो है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. ये बाकी बच्चों के लिए भी यूज़फुल रहेगा. आफ्टर 3 डेज विल कवर द सिलेबस स्टेप बाय स्टेप. और क्योंकि ये जो HRM है ये हर जगह है, चाहे वो BBA है, चाहे वो आपका MBA है, तो इट इज़ देयर इन एवरी कॉमर्स, यू नो द कॉमर्स सिलेबस, मोस्टली कॉमर्स सिलेबस. तो कोशिश करेंगे कि इस 3 दिन में हम ख़त्म करें. कल हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 1 का लेसन 1 से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने समझा था HRM ओवरऑल है क्या. बेसिकली इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच हैंडल और मैनेज ह्यूमन रिसोर्स इन द कंपनी. ह्यूमन रिसोर्स वी ऑल नो इज द बेस्ट और इज़ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स फॉर द कंपनीज ग्रोथ. ठीक है, तो हम समझते हैं इम्पॉर्टेंस कि आखिर HRM की इम्पॉर्टेंस कितनी वाइड है. मैं अगर बात करूँ इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की, तो वो जो सक्सेस है कोई भी कंपनी, चाहे आपकी टाटा है, बिरला है, रिलायंस कंपनी है, जो भी इंक्रीज ग्रोथ कर रही है, वो पूरी तरीके से निर्भर है किस पे? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, उसकी इम्प्लॉयज़ के ऊपर, उसकी इम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़, उसकी कॉम्पिटेंसेस, जो ऑर्गेनाइजेशंस को उसके कंपटीटर से डिफरेंट करता है. क्योंकि जितना भी ऑपरेशन है कंपनी का वो बेसिकली करेगा कौन? डेट विल बी कंप्लीटेड और डन बाय इम्प्लॉयज़ इट्सेल्फ, यू नो. तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को बनाए रखना फुल मोटिवेशन से, ये सबसे बड़ा रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का. क्योंकि हम सब, वी ऑल आर सोशल ह्यूमन बींग्स. कभी हम अप हैं, कभी डाउन है, कभी हमारा मूड, कभी हमारा मन कर रहा है काम करने का, कभी नहीं कर रहा. लेकिन कंपनी में तो ऐसा होता नहीं है. आप कभी कभी सो के उठो, सोचो सारा दिन में आपकी प्रोडक्टिविटी एक जैसी तो नहीं रहती. बट कंपनी में HR मैनेजर का भैया ये रोल होता है कि एम्प्लॉयज़ को मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्टिव रखा जाए, एक्टिव रखा जाए, सो डैट ऑर्गेनाइजेशंस गोल विल बी अचीव्ड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इंटरप्राइज लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स अगर प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी वो उतना ही इम्प्लॉयज़ को रिटेन रखेगा, अट्रैक्ट रखेगा काम के प्रति. प्लानिंग अलर्ट करती है कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विच विल नीड इन द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रन. एक HR ही होता है जो टाइम टू टाइम अपडेट करता है कंपनीज़ को, टॉप लेवल मैनेजर्स को, कि भाई आपके जो टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसके लिए प्लानिंग करनी है, उसके लिए रिसोर्स चाहिए. HR ही होता है जो लोगों को ट्रेनिंग देता है फॉर चैलेंजिंग रोल्स. क्योंकि आप थ्योरेटिकल जो भी पढ़कर आए हैं कंपनी में, इट्स नॉट नेसेसरली कि ऑल दी थ्योरीज विच यू लर्न इन दी डिग्रीज आप वही सेम इम्प्लीमेंट करोगे. यू रिक्वायर डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो दिस इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग और टू ट्रेन पीपल फॉर फुलफिलिंग दी चैलेंजिंग रोल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये आपका एट द इंटरप्राइज लेवल हुआ. इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट एग्जैक्टली डू डन बाय दिस HR मैनेजर टू प्रमोट टीम वर्क, टीम स्पिरिट, ताकि जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में एज अ टीम काम करें, ना कि एज एन इंडिविजुअल. क्योंकि जब आप टीम वर्क करते हैं तो काम और भी निखर के आता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट माइंड की स्ट्रैटेजीज तरीके लगे होते हैं. इट ऑफर्स एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू राइज. इट ऑल्सो अलाउज पीपल टू वर्क विथ डिलीजेंस एंड कमिटमेंट. जब टीम वर्क होगा तो ये सारी चीज़ें डेवलप होगी एक पर्सनालिटी में. सोसाइटी लेवल पे HR क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर साउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगी तो सोसाइटी को भी वो सिग्निफाई करेगा. कैसे करेगा? इट हेल्प्स टू इन्हांस द डिग्निटी ऑफ लेबर इन डिफरेंट वेज. जैसे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट देगा सबसे पहले, दूसरा बैलेंस करेगा बिटवीन दी जॉब्स अवेलेबल एंड दी जॉब सीकर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वालिफिकेशन, नीड्स एंड एप्टीट्यूड्स.
एलिमिनेट वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है एचआर मैनेजर के लिए टू फाइंड आउट टैलेंटेड रिसोर्सेज फॉर द कंपनीज, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज टैलेंटेड रिसोर्सेज ऑलरेडी इन द स्कार्स नेचर, वो पहले ही कम है मार्केट में। ठीक है, नेशनल लेवल पे भाई जितना ह्यूमन रिसोर्स हेल्प करेगा एम्प्लॉयज़ को और भी ग्रोथफुल प्रोडक्टिव बनाने के लिए, कंपनी उतनी ही ग्रोथ करेगी और नेशनल लेवल पे पूरी ऑल ओवर द इंडियन इकोनॉमी विल गो अप। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो भाई सबसे मैं बताऊँ दो ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका है मैनेजेरियल फंक्शन, उसके बाद आपका है ऑपरेशन फंक्शन। मैनेजेरियल में आपका जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज से मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, प्लानिंग के थ्रू उन्हें ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट ऑर्गेनाइज में रिक्रूट करना है, सिलेक्शन करना है, फिर डायरेक्शन में ट्रेनिंग देनी है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा, उसमें अगर उनके कुछ ड्रॉबैक्स निकल रहे हैं, वो पीछे है उनकी परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस है, तो उसको ट्रेनिंग देना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी को ही डॉक्यूमेंट को। चलिए, ये थोड़ा सा पेन का इशू आ रहा है, पेन टैब का, नेवर माइंड, चीज़ों को बस थोड़ा सा याद समझते हुए चलना है, पेन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, नहीं तो ये फिर से बीच में बंद हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। यहाँ से हम चलते हैं, सोसाइटी लेवल हो गया, नेशनल लेवल हो गया, फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में एचआरएम जो है वो आपका मैनेजीरियल है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, मैनेजीरियल मैंने आपको बताया क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग में वो आ गया आपका, ट्रेनिंग डेवलपमेंट आ गया, कंट्रोलिंग हो गया। ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल फंक्शंस क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हैं, ऑपरेट है, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बीच में बहुत सारी समस्या आती हैं, जैसे कि प्रोक्यूरमेंट की, डेवलपमेंट की, कंपनसेशन की, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डीप में अगर हम पढ़ें तो प्लानिंग में यही है सबसे पहले कि भैया फ्यूचर एचआर मैनेजर हमेशा ये एक्टिव रहेगा कि काम सफ़र नहीं होना चाहिए कंपनी का, और एम्प्लॉयज़ भी भगदड़ में काम ना करें, तो वो एडवांस में ही प्लानिंग करके चलते हैं कि 6 महीने बाद हमें ह्यूमन रिसोर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, जो एग्जिस्टेंस में है, जो अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या रिटायर होंगे या छुट्टी पे जाएंगे या जॉब ट्रांसफ़र करेंगे, सो ऑल दीज सिनेरियो विल कम इन द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, ताकि कंपनी को लॉस ना हो और इंडिविजुअल्स पे भी प्रेशर ना आए। इन द एरिया ऑफ एचआरएम प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन डिसाइडिंग हाउ ह्यूमन रिसोर्स गोल्स, फॉर्मुलेटिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स, प्रिपेयरिंग द ह्यूमन रिसोर्स बजट एंड सो ऑन। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है भाई, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने एम्प्लॉयज़ को हायर तो कर लिया, लेकिन आप उसको कौन सी पोजिशन देंगे, कैसे आप एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे, कौन पीयर ग्रुप होगा, कलीग्स होगा, कौन आपका बॉस होगा, आपको कितनी डेलीगेशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ये सब आपकी चीज़ें आती है ऑर्गेनाइजिंग में। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग, एक्टिवेटिंग, लीडिंग एंड सुपरवाइजिंग पीपल। आप डायरेक्शंस के बिगैर लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम उन्हें डायरेक्शंस देनी है, सुपरवाइज करना है, ट्रेनिंग देना है और मोटिवेशन भी देना है, क्योंकि सबका मोटिवेशन अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। ठीक है, कंट्रोलिंग, अगर वो जो उनके गोल सेट किए गए थे अगर उसके अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसे कंट्रोल करना, उसको ऑडिट करना है, उसके काम को चेक एंड बैलेंस करना है, फिर उसका एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद उसको एक नया रूप देना है ताकि आइंदा नेक्स्ट टाइम से ऐसा चीज़ें उसकी अंडर परफॉर्मेंस ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग फंक्शन, ऑपरेटिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में इंगेज है तो क्या क्या एचआर के फंक्शंस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोक्योरमेंट में यही बात है कि भाई सिक्योर्ड जॉब प्रोवाइड करना, राइट काइंड एंड प्रॉपर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू एकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सभी को पता है इसके अंदर क्या क्या आएगा,
सबसे पहले आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है टू सिक्योर एंड एम्प्लॉइंग द राइट काइंड एंड प्रॉपर नंबर ऑफ पीपल विच रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर उसके बाद आपका आता है HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग की जाएगी ह्यूमन रिसोर्स के लिए, कितने लोग चाहिए, कितने लोगों को ट्रांसफ़र करना है, किस किस लोकेशन में कितने काम की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। फिर रिक्रूटमेंट किया जाएगा, सभी को बुलाया जाएगा और उनको स्टिमुलेट किया जाएगा कि वो जॉब को अप्लाई करें, इंटरव्यू देने आएं। देन फाइनली सिलेक्शन होगा, उसके बाद उनको प्लेसमेंट मिल जाएगी, असाइन हो जाएगा जॉब। देन डायरेक्शंस मतलब कि आपकी ट्रेनिंग, इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाएगा। फिर आपका आता है जो ब्रॉड फंक्शन है HRM का, डेट इज़ डेवलपमेंट फंक्शन। अब HRM का जो मेन काम है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू इम्प्रूव द नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड, द वैल्यू सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयज, सो दैट दे कैन परफॉर्म द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब्स मोर इफेक्टिवली। ठीक है, अब इसके अंदर इस फंक्शन में चार चीज़ें कंप्राइसेस हैं। सबसे पहले है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। भाई इवेलुएट करना एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, बेटर कर रहा है, तो उसको फिर बेटर ही रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, सो डैट उसका मोरल जो है वो बना रहे। ट्रेनिंग, हर एम्प्लॉयज़ को उनकी नॉलेज का एक्सपेंशन होना चाहिए, स्किल्स, एटीट्यूड, ताकि फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अगर सेट होते हैं हाई तो वो भी अचीव हो सके। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मैनेजीरियल टैलेंट थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट में अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर आता है एम्प्लॉयज़ की करियर प्लानिंग, कैसे कैसे उसको करियर अपना आगे तक लेके जाना है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, करियर प्लानिंग में भी उसको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो एक्सपर्टीज़ लर्न करके वो अपनी कंपनी में ही यूज़ करे, तो इस तरीके से सोच के भी एम्प्लॉयज़ की जो है करियर प्लानिंग की जाती है। कंपनसेशन फंक्शन का मतलब यही है कि जॉब की परफॉर्मेंस के आधार पर एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दिया जाए। उसके अंदर तीन ब्रॉड जो है वो एक्टिविटीज़ है। जॉब इवेल्युएशन, ये प्रोसेस होता है टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब। जो जॉब है उसकी असाइन करने से पहले उसकी वर्थ कितनी है। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जितने भी सैलरी है वो कितनी देनी है, कितना वेजेस होना चाहिए, ये सब पहले ही डिटरमाइन करना है। बोनस जो है वो आता है आपके पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जिसके तहत स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बोनस दिया जाता है सभी गरीबों को। ठीक है, गरीब इन द सेंस की यहाँ पे बात आ रही है लेबर क्लास की। ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो मिडिल वाले हैं आपके वो भी इसमें आ सकते हैं। फैक्ट्री में खासकर ये जो है वो ज़्यादा फेमस होता है ये आपका बोनस एक्ट, बाकी कंपनीज में भी होता है। खैर, इंटीग्रेशन फंक्शन, यानी कि HR की मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोसेस ऑफ रिकनसाइल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद दोज हु इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को इंटीग्रेट कराना थ्रू वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स। मेंटेनेंस फंक्शन पता ही है, इट इज़ कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब आपका आता है रोल ऑफ HR मैनेजर। इसके रोल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, दूसरा ऑपरेशनल रोल्स, तीसरा है स्ट्रैटेजिक रोल्स। यानी ऑपरेटिव क्या है? ऑपरेटिव का मतलब है कि जब कोई भी इंसान काम कर रहा है तो जो भी पॉलिसी बनी है वो पॉलिसी को एडमिनिस्टर करना, यानी कि उस पॉलिसी को किस तरीके से एम्प्लॉयज़ फॉलो करेगा, ये भी एक रोल होता है HR मैनेजर का। ठीक है, उसका इंटरप्रेट करना पर्सनल पॉलिसीज़ को अप्रोप्रिएट मैनर में, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ और रोल ऑफ HR मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट में क्या होता है कि भाई HR का जितना भी डेटाबेस है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ बेनिफिट क्लेम्स, आंसरिंग क्वेरीज रिगार्डिंग लीव, ये सब चीज़ें आपकी मेंटेन हो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स के पास। ठीक है, उसके बाद एडवाइज़र। पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो लाइन मैनेजमेंट नहीं है, वो स्टाफ मैनेजमेंट है। यानी कि जो स्टाफ
आपके एचआर मैनेजर हैं, दीज आर द स्टाफ मैनेजर्स, इनके ऊपर एक लेयर होती है लाइन मैनेजर्स हु मेक द पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हाउ दिस पॉलिसी विल इम्प्लीमेंटेड इन द एचआर डिपार्टमेंट डेट लाइज विद द एचआर मैनेजर. ठीक है, उसके बाद हाउसकीपर, ये भी चेक करते रहना कि भाई एम्प्लॉयज़ का जो सर्वे है उसकी बेस सैलरी से वो क्या है, खुश है, कितना है, ये सारी हाउसकीपिंग में आया. काउंसलर जो है करियर भी डिस्कस करेगा, वर्क भी डिस्कस करेगा, फैमिली प्रेशर तो नहीं है. सो दीज ऑल थिंग्स विल बी डील्ड बाय द एचआर मैनेजर. वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि ये उम्मीद की जाती है पर्सनल मैनेजर से कि भाई वो वेलफेयर ऑफिसर भी रहेंगे कंपनी के, ताकि जो फैक्ट्रीज़ में जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स है, वो किस में चली जाती है, स्ट्राइक पे चली जाती है, उस वक्त ये सबसे बड़ा कामगार सिद्ध होगा. फिर आपका आता है लीगल कंसल्टेंट. ये पता ही है कि भैया क्या डिस्प्यूट्स को किस लीगल तरीके से जीता जा सकता है, वो इस आपके लीगल कंसल्टेंट में आ जाएगा पॉइंट में. नेक्स्ट है ऑपरेशन रोल्स. ऑपरेशन रोल्स क्या होता है, एचआर मैनेजर का जो सबसे बड़ा ऑपरेशनल रोल है एज अ रिक्रूटर है, रिक्रूट करेगा एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, ठीक है, फिर उसके बाद मोटिवेट करना, ये सारे ऑपरेशनल रोल्स हैं. ठीक है, मीडिएटर सबसे बड़ा रोल है एचआर मैनेजर का, टू मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. ठीक है, फिर थर्ड ब्रॉड कैटेगरी आती है स्ट्रैटेजिक रोल्स. स्ट्रैटेजिक रोल्स में जितने भी एचआर पॉलिसीज होती हैं डेट प्योरली डिपेंड अपॉन दी हायर अथॉरिटीज़ डिसीज़न, और वो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं. ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली इन लाइन मैनेजर्स को उनके साथ बैठ के अपना जो है कोर कॉम्पिटेंसीज जो है उसमें क्या इनका रोल रहने वाला है एम्प्लॉयज़ का हित का, ये सारी चीज़ें एचआर मैनेजर को देखनी है. अ कोर कॉम्पिटेंस इज़ अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मे नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स. ठीक है, प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शंस, तो ये रोल आपका किसका है, एचआर मैनेजर का. क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. ठीक है, अब इस ग्लोबलाइज्ड मार्केट में एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवांटेज को मेंटेन करना ही सबसे बड़ा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, है ना. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट वेज इन विच अ बिजनेस कैन अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. द फर्स्ट इज कॉल्ड लीडरशिप, विच मीन्स द फर्म एम्स टू बिकम द लो कॉस्ट लीडर इन द कंट्री. ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आपका फैसिलिटेटिंग ऑफ चेंज, यानी कि जो है एचआर मैनेजर होते हैं कि भाई किस तरीके से चेंज होना है, क्योंकि चेंज होना एज़ पर द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट सिंपल एज आई एम सेइंग. ठीक है, एचआर मैनेजर्स विल हैव टू डेवलप मोर टाइम टू प्रमोट चैलेंज देन टू मेंटेन द स्टेटस को. ठीक है, अब चलते हैं कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर. क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, अब इतनी सारी चीज़ें जब रोल प्ले करना है, एड्रेस करना है, तो उसके अंदर भी कुछ कॉम्पिटेंसीज, कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए. सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ठीक है, नहीं तो क्यों देखेगा कोई भी आपको. उसके बाद आता है सेकंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स, यानी कि हर एक एचआर मैनेजर जो है उसकी पर्सनालिटी, पर्सनल पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, लीडरशिप स्किल्स एंड एनहांसिंग स्किल्स. ठीक है, उसके बाद चलते हैं, एक न्यूज़ में था ह्यूमन, अच्छा वो भी आगे आएगा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये हो गया. उसके बाद सेम ऑफ एचआर मैनेजर, स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर. अगर हम स्टेटस की बात करें तो हमें देखना है कि भाई क्या स्टेटस होगा.